सिंगल सिलेंडर लेके मुझे ऐसा लग रहा है गलत कर दिया, जाना चाहिए था इनलाइन फोर पे। कोई रेव नहीं करेंगे, आप कर ले बगीरा से एक्सचेंज या जीनो सो। पुलिस थी यहाँ पे, इनलाइन फोर मशीन बुक कर दी। हेलो एवरीवन, हियर कुणाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबीआर व्लॉग्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरे सामने खड़ी है बेनेली 600 आई। भाई एक ऐसी बाइक है जो कि अभी तक लोगों के मन में बसी हुई है, और इसके लोगों के मन में बसने का बस एक ही रीजन है, वो है ये जो चीज है ना, इसी की वजह से भाई ये जो बाइक है लोगों के मन में बहुत बसी हुई है। जो बेनेली 600 आई आती है वो अभी कंपनी ने बंद कर दिया है, बट अभी भी आपको सेकंड हैंड मार्केट में मिली जाएगी। भाई आज अजमेर पे जो मेरा सबसे ऊपर फोकस था वो सबसे ज्यादा इस पे था। मैंने इसको बहुत ज्यादा राइड करी, बहुत मजा आया भाई। मेरी सबसे पहली इनलाइन फोर थी विशाल भाई, जो मैंने सबसे ज्यादा चलाई है, मतलब हाँ मैंने लास्ट जीरो से चलाई थी, वो शायद ऐसे 2-3 किलोमीटर चलाई थी, बट ये सबसे ज्यादा चलाई है आज, सच्ची बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सिंगल सिलेंडर लेके मुझे ऐसा लग रहा है गलत कर दिया, जाना चाहिए था इनलाइन फोर पे, क्योंकि भाई ये इनलाइन फोर भाई कहीं भी निकलती है ना तो रिएक्शन तो आना पक्का ही है। लोग आपको देखते ही देखते हैं मुड़ के, और लोग देखे ना देखे यार इनलाइन फोर कोई सी भी हो उसका अलग मजा रहता है। तो आज इसको हमने बहुत भगाई अजमेर में, तो यहाँ पे पीछे लग रखे कस्टम एग्जॉस्ट। एंड आज मुझे समझ में आया कि बेनेली अभी भी क्यों दीवाना कर देती है लोगों को, अभी भी क्यों लोग इसे खरीदना चाहते हैं। अभी देखो इसमें लग रखे क्रैश गार्ड्स, आफ्टर मार्केट लिवर्स लग रखे जो कि एडजस्टेबल है, एक्सेल कस्टम मेड एग्जॉस्ट है। बेनेली की जो सबसे प्यारी चीज लगती है ना मुझे वो ये लगती है साइड माउंटेड चॉकर, और यही बेनेली को डिफाइन करता है। तो भाई अभी इसका एक राउंड काट के आएंगे, इसके रिएक्शंस लेंगे। विशाल भाई फिर क्या करें, इनलाइन फोर पे जाया जाए? आपको बोला था स्टार्टिंग में क्या परेशानी अच्छी लग रही है इनलाइन फोर पे, तो आप जा सकते हो। जल्दी से जल्दी 10 की सब्सक्राइबर करा दो भाई, ऐसी कोई ना कोई मशीन घर लेकर ही आ जाएंगे, ये तो पक्के से है जी। 900 लाएंगे, ये हमारे है ना महंगी बातचीत वाले मालिक है, ये कहा बेनेली पे बैठेंगे। बेनेली की जो की है ना भाई, ये क्या सेक्सी सी आती है, ये थोड़ी कम सेक्सी है, डोकरी हो गई है। तो भाई अभी ये इनिशियल पे स्टार्ट होगी, कोई रेव नहीं करेंगे। अभी इसका इनिशियल साउंड सुनो कितना ज्यादा लाउड है, बहुत ही ज्यादा लाउड है भाई। कर ले बगीरा से एक्सचेंज या जीनो सो। जीनो सो यार, चलो ठीक है डन भाई, 10,000 सब्सक्राइबर करा दो, जीनो सो लेकर आ जाएंगे। भाई इनिशियल साउंड इतना तगड़ा है ना, तो भाई अभी इसके एक अच्छा खासा पैस लेंगे भाई, इसको थोड़ा भगाने का ट्राई करेंगे, देखते फर्स्ट गियर में कितनी जाती है, सेकंड गियर में कितनी जाती है। 1, 2, 3 भाई फर्स्ट गियर में 70 पहुंच गई थी भाई इजीली। ओ भाई क्या क्रैकल्स है, क्या क्रैकल्स है, अमेजिंग क्रैकल्स, और जो इसके रिएक्शन देखने को मिलते हैं ना भाई वो बहुत अमेजिंग होते हैं। लोग इसकी आवाज़ सुन के मुड़ मुड़ के देखते हैं भाई, कस्टम एग्जॉस्ट है, बट क्या ही रिएक्शन आ रहे हैं। भाई बहुत अमेजिंग फटाके फोड़ रही है और झट से जाती है भाई, रॉकेट है रॉकेट, ये ना मिनी रॉकेट है भाई, रॉकेट पॉकेट वाली मिनी रॉकेट है। भाई आपको इसकी आवाज सुनाई दे रही होगी, ये देखो भाई हर जगह लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं।
अच्छा खासा रन लिया भाई, अब यहाँ से मैं यूटर्न लेता हूँ। ओहो भाई, कुछ भी कह लो, इनलाइन फोर को चलाने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही फील है, अलग ही मज़ा है। ओके जा भाई, जा जी ले अपनी जिंदगी, गजब थूक रहे हो तुम भी भाई। भाई अब ये देखो, यहाँ पे छाया में खड़े हो कि आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ कि क्या ही एग्जॉस्ट साउंड है, बहुत अमेजिंग बैनल ये भाई। ओहो आवाज़ सुन रहे हो अब इसकी, अभी देखना। भाई क्या ही लाउड है, क्या ही लाउड एग्जॉस्ट है। अभी राइडिंग गियर्स नहीं पहन रखे ना, इसलिए ज़्यादा पुल नहीं कर रहा भाई। अगर राइडिंग गियर्स पहने होते तो इसको भी छठी का दूध याद दिला देते भाई कि अपन क्या चीज़ है। बट भाई इनलाइन फोर है ना, अपनी अलग जगह। अब देखो 16, 29, 50, 70 भाई, ये चुटकियों में जाती है, चुटकियों में। अभी मेरी ज़्यादा आवाज़ आपको आ नहीं रही होगी शायद तक से, बट है ना, मेरे जो इमोशंस है उसको फील करो भाई कि क्या ही इमोशंस होंगे मेरे। पुलिस थी यहाँ पे। हेलो भाई, मेरी फटरी के पीछे पुलिस वाले आ रहे और चालान ना काट दे भाई। यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, रैश ड्राइविंग करने से कोई मतलब नहीं है। बट यार इनलाइन फोर पे दिल आ गया कसम से आज। भाई अगर 10,000 सब्सक्राइबर करा देते हो ना भाई, इनलाइन फोर मशीन घर पे होगी, ये लिख के दे रहा हूँ मैं। हाँ 10,000 सब्सक्राइबर के बाद सीधा बुकिंग का ब्लॉग आएगा कि इनलाइन फोर मशीन बुक कर दी। अभी जस्ट हम अभी यहाँ पे बैठे थे द अंकल्स कैफे, बहुत अच्छे अच्छे मोमोज खाए हमने, अलग अलग स्वादिष्ट मोमोज खाए, एंड उसके साथ में पिया हमने न्यूट्रेला शेक 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 शेक। आज मुझे फाइनली पता पड़ा कि इसको लोग अभी भी प्यार क्यों करते भाई। भाई लोग देख रहे थे भाई। भाई लोग देख रहे थे भाई। भाई अमेजिंग रिएक्शन आते यार, अमेजिंग रिएक्शन आते लोगों के। भाई इनलाइन फोर की बात ही कुछ और है।
आपने भी देखा बैनली के कैसे रिएक्शन आए थे एंड कितना अमेजिंग था इसको चलाना भाई। भाई जितनी कैपेसिटी थी मेरी उतनी कैपेसिटी पर लेकर गया मैं इसको। ज्यादा राइडिंग के स्पैन नहीं रखे थे इसलिए ज्यादा खींचा नहीं और थोड़ी बहुत भीड़ भी थी, बट मैं जितना लेके जा सकता था उतना पूरा लेके गया हूँ भाई। एंड सच्ची बता रहा हूँ कि आज इसको चलाया ना तो सच्ची में अब इनलाइन फोर से प्यार हो गया। अब तो ऐसा लग रहा है कब घर पे आएगी, कब घर पे आएगी, अब तो मन मचल गया मेरा। विशाल भाई थैंक यू सो मच, आप आए। थैंक यू सर, थैंक यू, आप आए। हाँ आपने बुलाया। एंड उज्जवल भैया थैंक यू, आप अपने निंजा 1000 को लेकर आए। महंगी बातचीत। तो यार ऐसे ही भाई लोग चाहिए जीवन में, जो बस एक फोन पे हमारे साथ खड़े हो। ऐसे ऐसे भाई लोग हैं हमारे साथ में, ऐसे भाई लोग भी हैं। तो अभी यहाँ से निकल रहे। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छी लगी होगी हमारी इनलाइन फोर वाली बैनली। अगर अच्छी लगी है बैनली और हमारा ब्लॉग, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। साइनिंग आउट कुणाल रॉय, बाय बाय।